सो व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज आज किस वीडियो के अंदर करने वाले हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। सो आप लोग आज स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा फोटो, ठीक है ना गाइज। हमारे पहले का फोटो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग गाइज करने के वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड आप लोग गाइज चैनल पर नहीं हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइज। मैं जब भी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो आप लोग को पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो आपको करना है गाइज अपनी सिंपल से फोटो गाइज शेयर करना है सीधा अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइज आ गए अपने स्नैपचैट के अंदर। उसके बाद आप लोग गाइज करना है क्या, नीचे टूल्स मिलेगा, टूल्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से उसके बाद आप लोग को फर्स्ट में टू इमेज मिलेगा, इस पर टू इमेज पे क्लिक करेंगे। एंड इसके गाइज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड इसके गाइज उसके बाद आप लोग एमएनएस को बढ़ा लेंगे। एंड यहाँ से शैडो को भी, एंड यहाँ से करेंगे डन। उसके बाद आप लोग गाइज फिर से टूल्स पे क्लिक करना है एंड डिटेल पे। एंड इसका स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइज। एंड यहाँ से इसका शार्पिंग को भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से करना है डन। तो गाइज उसके बाद आप लोग करना है क्या है, फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग को दिखाता है, देखो गाइज ये मिलेगा कर्सिव, ठीक है, जो लिखा हो इस पे क्लिक करेंगे। एंड गाइज ये ऊपर वाले हैं ना, इसको नीचे कर देंगे, पूरे नीचे कर देंगे, ठीक है, एकदम पूरा नीचे कर देना आप लोग को, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ डन करेंगे। एंड उसके बाद आप लोग गाइज इस पे क्लिक करना है, ऊपर में देखिएगा ये है, इस पे दिखाते हैं एक मिनट, इस वाले पे क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है, इस वाले पे, इस पे क्लिक आप लोग गाइज यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ व्यू रेट, ठीक है, व्यू रेट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से कर्सिव वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से देखिए गाइज डिलीट के बगल में है ना, सो ड्रॉ ड्रॉ इस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ वाले पे। एंड उसके आप लोग को फोटो करेंगे जूम एंड अपने बैकग्राउंड पे स्टेप से ड्रॉ करना है। देखिए गाइज ये जो हमारा कलर है ना, स्काई कलर जो हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से आपको अप्लाई करना है सिर्फ स्काई वाले में, ठीक है, वह जहाँ व्हाइट व्हाइट है, इस टाइप से आपको पूरे फोटो को जूम करके हल्के हल्के से करना है, ठीक है। यहाँ से फोटो को गाइज यहाँ से जूम जूम करके करना है आप लोग को इस टाइप से, ठीक है, बॉडी पे नहीं जाने देना है, सिर्फ स्काई पे करेंगे इस टाइप से, देख सकते हो मैं जैसे कर रहा हूँ। तो गाइस हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाकी रह गया, इसको यहाँ पे कर देते हैं। एंड फोटो को यहाँ से कर लेंगे हम डन, ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। उसके बाद आपको फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे गाइस देखिए लिखा होगा सिलेक्टिव, ठीक है, सिलेक्टिव पे क्लिक करना है आप लोग को। सिलेक्टिव के लिए आप लोग को फोटो को, सॉरी, इसको अपने फेस पे ला के छोड़ देना है, यहीं पर फेस पे ला के। एंड फेस का जो ब्राइटनेस है ना, इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे फेस का। एंड यहाँ से कर लेंगे हम डन। उसके बाद आप लोग को फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। इसको यहाँ से हम शेयर कर देते हैं लाइटिंग के अंदर। तो गाइस चलिए हम सीधा अपने लाइट रूम के अंदर चलते हैं मेरे भाई। तो गाइस हम आ गए अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आप लोग गाइस करना क्या है, यहाँ से लाइट पे क्लिक करेंगे। एंड इसके गाइस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है आप लोग को। एंड फर्स्ट में एक्सपोजर को, इसको एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, हल्के से बढ़ाना है आप लोग को, यहाँ से हल्का सा बढ़ा लेते हैं एक्सपोजर को। एंड उसको आप लोग को शेडो को बढ़ा लेंगे एंड वाइट को एंड ब्लैक को कम कर लेंगे, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद आप लोग को कलर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से गाइज वाइब्रेशन तीन नंबर पे है ना, इसको बढ़ा लेंगे इस टाइप से। एंड उसको आप लोग को मिक्स मिलेगा ऊपर, मिक्स पे क्लिक करेंगे। एंड गाइज इस कलर पे क्लिक करना है आप लोग को, ठीक है। एंड इस कलर का जो है ह्यू आगे को बढ़ा लेंगे इस टाइप से, ठीक है, सॉरी इतना बढ़ा लेना आप लोग को। एंड इस कलर पर क्लिक करेंगे एंड इसका भी ह्यू आगे को बढ़ा लेंगे। देख सकते हो गाइज जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है जो स्काई वाला वो चेंज हो रहा है, तो आप लोग इस चीज जो कलर चाहे रख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो इधर कलर पे कुछ अलग टाइप का आ रहा है, तो स्काई कलर का ये इस टाइप का होता है, ठीक है, तो ये कलर हम रखेंगे। एंड उसको आप लोग इस कलर पे क्लिक करना है। एंड स्काई का ह्यू पूरा माइनस को रखेंगे, ठीक है, येल्लो टोन करना है हमें, जो ये वाला जो ग्रीन वाला है ना, इसको येल्लो टोन करेंगे। एंड इसका सैचुरेशन पूरा 100 कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। एंड इस कलर पर क्लिक करेंगे, इसका सैचुरेशन कम कर लेंगे, ठीक है, हल्का से कम कर लेंगे। एंड इस कलर पे क्लिक करेंगे एंड इसका गाइस सैचुरेशन पूरा कम कर लेंगे, जो हमारे फेज है वाइट होगा। एंड इसका लेमनेस बढ़ा लेंगे, ठीक है, देखिए गाइस फेज जो है वाइट हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर चेंज नहीं आ गया फोटो में। एंड इसका भी सैचुरेशन कम कर लेंगे एंड लेमनेस को बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड इसका सैचुरेशन पूरा डिक्रीज कर देना है एंड इसका भी, ठीक है। आप लोग गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर फोटो में चेंजिंग आ गया है। एंड यहाँ से कर लेंगे हम डन। एंड उसको आप लोग इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसका क्लैरिटी हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइस।
एंड टेक्सचर को भी एंड बिगनेट को कम कर लेंगे हल्का सा कम करें आप लोग को एंड सबसे नीचे आना है एंड ग्रेन को बढ़ा लेंगे एंड साइज को भी एंड राउंडनेस को भी ठीक है एंड डिटेल पे क्लिक करेंगे एंड इसका शार्पिंग को बढ़ा लेंगे एंड सबसे आपको नीचे आना है एंड इसको फुल कर देंगे, इसको भी फुल कर देना है तीनों को ठीक है। उसके बाद आप लोग को फोटो के यहाँ से शेयर करेंगे अपने फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर ठीक है गाइस, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना है अपने फोटो को। तो ये रहा फोटो रूम अपना गाइस, डाटा कर लेना हूँ ठीक है, डाटा पे फोटो रूम चलता है। एंड आप लोग गाइस नीचे आना ठीक है, और नीचे आना है यहाँ पे गाइस लिखा होगा फोटो एडिटिंग क्लासिक ठीक है। तो आप लोग गाइस देखिए ओरिजिनल ब्लर, तो ब्लर पे क्लिक करना है आप लोग को एंड गाइस देखिए नीचे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे एंड आप लोग को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड ब्लर पे क्लिक करेंगे एंड गाइस देखिए बोके के बगल में गौसन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड गौसन को बढ़ा लेंगे हम, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ज़्यादा ठीक है, 30 के आसपास यहाँ से कर लेंगे हम डन। आप लोग गाइस देखिए जो बैकग्राउंड जो ब्लर हो गया ठीक है एंड ऊपर वाले इस बार शेयर वाले पे क्लिक करके फोटो हम यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग गाइस अपने फोटो को शेयर करना है अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर फिर से ठीक है, शेयर करते हैं। तो गाइस हम आ गए फिर से स्नैपचैट एप्लीकेशन अंदर, तो उसके बाद आप लोग गाइस यहाँ से इस लोगो को हटाएंगे। तो आप लोग करना क्या है, फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस देखिए लिखा होगा हीलिंग ठीक है, यहाँ पे हीलिंग लिखा है तो इसको इस पर टैप करेंगे एंड अपने जो फोटो रूम लोगो है ना इस पर इस टाइप से ड्रॉ करेंगे एंड एक ही बार में हट जाएगा ठीक है एंड इसको सही से करेंगे, हल्के हल्के से ड्रॉ करके हटाएंगे ठीक है। इस टाइप से आपको हटा लेना है, देखिए तो हट जाता है बहुत बढ़िया तरह से, यहाँ से कर लेंगे हम डन। उसके बाद आप लोग गाइस हेयर को थोड़ा सा और ब्लैक करेंगे ठीक है, तो टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्टिव पे एंड अपने हेयर पे इस टाइप से ला के इसको छोड़ देंगे एंड इसके गाइस ब्राइटनेस को कम कर लेंगे ठीक है एंड स्ट्रक्चर को पूरा 100 कर देंगे प्लस एंड सैचुरेशन को माइनस, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, यहाँ से कर लेंगे डन ठीक है। एंड देखते हेयर काफ़ी मस्त लग रहा है दिखने में एंड फीचर टूल्स पे क्लिक करेंगे सेलेक्टिव पे एंड इधर कर लेते ठीक है। तो गाइज इतना आप लोगों को फोटो के यहाँ से शेयर करेंगे अपने आउटडेस स्केचबुक के अंदर ठीक है गाइज। तो गाइज मांगे अपने आउटडेस स्केचबुक के अंदर, उसके बाद आप लोग ऊपर लेयर वाले पे क्लिक करेंगे प्लस वाले पे एंड यहाँ से गाइज एक ओवर ले सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है एंड इस पर क्लिक करेंगे एंड आप लोग को ऊपर आना है एंड आप लोग का ये वाला ब्रश लेना है ठीक है, ये वाला ट्रेडिशनल का एंड सेटिंग पे जाएंगे, साइज को गाइज यहाँ से कम कर लेंगे ठीक है एंड कलर को रखना है रेड जो लिप्स का कलर होता है। फोटो करेंगे गाइज जूम एंड अपने हॉट पेस्ट ऐप से ड्रॉ करेंगे एंड फोटो गाइज करेंगे जूम आउट एंड गाइज इसका जो है ओपेसिटी कम कर लेंगे ठीक है, लिप्स का कम कर लेंगे कलर इतना रखते हैं। यहाँ से गाइज कर लेंगे हम मच, देखो यहाँ पे लिखा है मच तो मच कर लेंगे ठीक है। उसके बाद आप लोग को इस वाले पे क्लिक करेंगे लाइब्रेरी पे एंड नीचे ना आप लोग को एंड आप लोग गाइज ये वाला ब्रश लेना ठीक है, ये वाला सेटिंग में जाएंगे एंड साइज को गाइज यहाँ से कम कर लेंगे एंड फॉलो को 4 एंड 3 को 14-15 रख लेना ठीक है एंड फोटो करेंगे जूम एंड अपने स्टेप से फेस पे ड्रॉ करेंगे जो गाइज फेस हमारा स्मूथ होगा एंड काफ़ी गाइज मस्त लगेगा स्मूथ होने के बाद। इस टाइप से आप लोग को साइज को कम करके पूरे फेस पे स्मूथ करना है ठीक है। देख सकते हो गाइस तुम्हारे जो पिंपल सब है हट रहा है, आप लोग इस टाइप से ड्रॉ करोगे तो स्मूथ हट जाएगा, मतलब पिंपल सब हट जाएगा ठीक है। पूरे आपको गाइस फेस पे कर लेना ठीक है, जहाँ पे गाइस नहीं हो रहा मतलब बहुत छोटा है ठीक है, तो आप लोग को साइज को छोटा करके वहाँ पे करना है ठीक है, फोटो को पूरा जूम करके साइज को छोटा करके हल्के हल्के से ड्रॉ करना है। तो गाइस फेस जो स्मूथ हो गया ठीक है, थोड़ा मैं अभी जल्दी में कर रहा हूँ ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे बाकी रह जाता है ठीक है, आप लोग को हैंड पे भी पूरे कर लेना है एंड उसको आप लोग को फोटो के यहाँ से गाइस सेव कर लेंगे ठीक है, सेव टू डिवाइस कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।